नमस्कार। सफ़र ज़िंदगी का एक ऐसी श्रृंखला हम आप लोगों के लिए लाए हैं जिसमें जानी अनजानी हस्तियों और ऐसी प्रतिभाओं को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आएगी और आप लोगों का सहयोग हमें मिलता रहेगा। चलते चलते हंसते गाते यूं कटे सफर जिंदगी का, सफर जिंदगी का। नमस्कार, मैं सुषमा गौतम। आज हमारे स्टूडियो में कोटा के मशहूर संगीतकार श्री रामदास राव पधारे, जिन्हें सुरमणि अवार्ड से नवाजा गया है। तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए उन्हीं से रूबरू कराती हूँ, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। सर, संगीत जगत में आपका योगदान सराहनीय है, परंतु हम जानना चाहते हैं कि आपके संगीत की शुरुआत कहाँ और कैसे हुई। मेरी संगीत की प्रारंभिक शिक्षा मुझे मेरे पिता श्री पंडित नवल किशोर जी राव से मिली, जो कि झलावाड़ दरबार के राजगायक थे और जिन्होंने कोटा में संगीत विद्यालय की स्थापना की। संगीत जगत में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम युवाओं को बताना चाहते हैं कि कोई भी क्षेत्र में कामयाबी के रास्ते में कितने कष्ट आते हैं। मैं जब बहुत छोटा था, 8-9 साल की मेरी उम्र रही होगी, और एक कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया। उसमें हमारे कोटा के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार श्री रामकरण जी राव तबला वादक, उनके पिता श्री मांगीलाल जी ने मेरे साथ तगले पे संगीत की थी। उस टाइम मुझे इतना ताल का ज्ञान नहीं था, ताल से अलग हो जाया करता था। तो उन्होंने एक सारंगी वादक थे खूबचंद जी उस ज़माने में, उसे कह रहे यार तू किसे पकड़ रहा है यार, इसको तो ताल का ही बोध नहीं है, कहीं भी बेताला हो जाता है। इस तरह से मुझे बहुत प्रकार से लोगों की प्रताड़नाओं का और उनके अपशब्दों का सामना करना पड़ा, पर मैंने उसे कभी ऐसा नहीं लिया और उसको अपनी एक प्रेरणा बनाया, उससे एक वो लिया कि मुझे कुछ करना चाहिए जीवन में। और इन बातों को, क्योंकि पत्थर कुटपिट के ही गोल होता है, तो मैंने मेरी एक लक्ष्य बनाया कि मुझे जीवन में संगीत में आगे बढ़ना है। और उसी प्रेरणाओं से अखिल भारतीय स्तर तक की प्रतियोगिताएं मैंने कई, हाँ, उनमें विजेता रहा, कई से अवार्ड प्राप्त किए मैंने, ये उन्हीं का परिणाम है। सर, हम आपसे कुछ सुनने की चाह रखते हैं, प्लीज कुछ सुनाइए। जरूर, मैं चूंकि राजस्थान आरती क्षेत्र का रहने वाला हूँ और यहाँ की, हमारे राजस्थान की मिट्टी की खुशबू अलग है, यहाँ का संगीत अलग है, और ये वो संगीत है, इस धरती ने, राजस्थान ने बड़े बड़े कलाकार पैदा किए हैं, गुलाम अली साहब, मेहंदी हसन साहब, तो यहाँ की मिट्टी की खुशबू में बहुत मिठास है। लीजिए, मैं आपको राजस्थानी संगीत और एक डिफ़िकल्ट जो विधा है मांड, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। पधारो पधारो मने देश जी केसरिया बलम आवो धारो मारे देश बारा मीठा मारो आवो ने पधारो मारे साजन मैं कहूँ साजन जीव जड़ी
साजल साजल मैं कहूँ हो साजल जीव जड़ी सूरत मंडालू चूड़ ले सखी निरखू घड़ी घड़ी जी मर मीठा मरू अवो ने पधारो मारे देश शुक्रिया सर गज़ल में आपने ऑल इंडिया कंपटीशन स्वर्ण पदक प्राप्त किया है तो हम आपसे गज़ल भी सुनना चाहेंगे तो आप दर्शकों को अपनी पसंद की गज़ल सुनाएं श्रोताओं की खिदमत पेश कर रहा हूं जिस गज़ल को मैंने बम्बई शब गज़ल में अनूप जी हरिहरन जी के साथ गाया था और अनूप जी ने जिस गज़ल की बहुत तारीफ़ की थी वो गज़ल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं sare mara ni da da mare ni da mare ni kya kahun doston ke bare mein kya kahun क्या कहूँ दोस्तों के बारे में मेरी किस्मत के फूल हैं लोग जब भी देते हैं जख्म देते किस कदर बावसूल है गजल का मतलब समाप्त फरमाइए मिल भी जाते हैं तो मिल भी जाते हैं तो कतरा के निकल जाते मिल भी जाते कतरा के निकल जाते किस तरह कैसे मौसम की तरह दोस्त बदल जाते कैसे मौसम की तरह दोस्त बदल जाते तुम कभी अपनी जफा पर ना हुए शर्मिंदा सारे मदनी दा तुम कभी अपनी जफा पर हुए शर्मिंदा हम समझते के पत्थर भी पिघल जाते हम समझते के पत्थर भी पिघल जाते मिल भी जाते हैं।
हम अभी तक गिरफ्तार मोहब्बत यारों, हम अभी तक हम अभी तक गिरफ्तार मोहब्बत यारों, ठोकरे खा के तो इंसान संभल जाते, तो इंसान संभल जाते, मिल भी जाते। अंतिम शेर है, बोला जा फरमाइए। हमसे मजबूर तमन्नाओं का सौदा न करो, हमसे मजबूर तमन्नाओं का सुदान करो, हम तो मिट्टी के खिलौनों से बहल जाते, हम तो मिट्टी के खिलौनों से बहल जाते, मिल भी जाते। शुक्रिया। धन्यवाद। आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सुषमा जी, सबसे पहले मैं आपका आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ कि आपने मुझे श्रोताओं के बीच आने का मौका दिया, इस स्वरांजलि स्टूडियो में आने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा यहाँ करके। शुक्रिया।